परमात्मा के प्रति समर्पण में मैं और मेरापन अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, तभी वह सच्चा समर्पण कहलाता है। समर्पण अर्थात तेरी रजा में मैं राजी, क्योंकि अगर मैं और मेरापन अंश मात्र भी है तो इंतजार है, इंतजाम नहीं है। उसे फिर भगवान पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे फिर अपने मतलब की, स्वार्थ की याद कहेंगे। क्योंकि जब समर्पण ही कर दिया और वो भी स्वयं भगवान को, तो इंतजार किस बात का? फिर तो बस एक भरोसा कि वो जो करेगा उसमें मेरा ही कल्याण समाया होगा, क्योंकि मेरे साथ है ही कल्याणकारी परमपिता। भगवान को मैंने दे दिया, भगवान समय आने पर अपने आप ठीक करेगा, उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब मेरी प्रॉब्लम को ठीक करना ना करना, और मेरी जिम्मेवारी तो बस इतनी है कि मैं अपने इस हिसाब किताब को सहज रीति चुकतू करूं। क्योंकि साथ तो भगवान देगा, पर अपने कर्मों का भुगतान तो मुझे ही करना होगा ना।